दोस्तों अगर आपका भी यहाँ पे सपना है सैमसंग कंपनी में जॉब करने के लिए, तो इस वीडियो में यहाँ पे दोस्तों सैमसंग कंपनी में भर्ती लेके आ चुका है। दोस्तों 100% यहाँ पे जॉब मिलेगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है सैमसंग कंपनी में जॉब करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो महिला पुरुष सभी के लिए यहाँ पे बेहतर मौका है दोस्तों, सुनहरा अवसर है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 10वीं 12वीं पास अगर आप हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे दोस्तों जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे अपने नोएडा में ही जॉब कर सकते हैं दोस्तों सैमसंग कंपनी में। तो चाहते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे विजिट कर लेते हैं जो कि सैमसंग कंपनी की वेबसाइट, यहीं से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे विजिट यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सैमसंग कैरियर। जी हाँ दोस्तों, आपको लिखने के बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे छोड़ देना है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पे samsung.com तो एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटी कैरियर सैमसंग, तो दोस्तों इसी वाले लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं पेज ओपन हो गया, यहीं से दोस्तों आपको जो फॉर्म को फिल करना है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे हम पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कॉर्नर में देख पा रहे हैं साइड में दोस्तों सर्च जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी यहाँ पे सैमसंग कंपनी में अप्लाई कर पाएंगे जॉब के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा फॉर्म को कैसे फिल करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च जॉब पे जो है क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो सर्च बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, गाइस यहाँ पे देख सकते, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, टाइम टाइप और यहाँ पे रिमोट टाइप रिमोट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन जो है आपको सर्च कर लेना, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों इंडिया आपको लिख के सर्च कर लेना है। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन पर दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया में आपको लोगों को यहाँ पे कंपनीज मिल जाएंगी। तो इसकी जो कंपनी है बेंगलोर के लिए, बेंगलोर के लिए दोस्तों है, यहाँ पे मुंबई के लिए भी है, और यहाँ पे सेक्टर नोएडा के लिए दोस्तों है, यहाँ पे गुरुग्राम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम नोएडा के लिए अप्लाई करेंगे सैमसंग कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि नोएडा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों, तो अब भी आप इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों जो भी नोएडा में यहाँ पे कंपनीज हैं, सारी कंपनी जितनी भी वैकेंसी खाली हुई तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही वैकेंसी भी नोएडा में जो चल रही है, तो आप लोगों के यहाँ पे सीनियर चीफ डिजाइनर की यहाँ पे दोस्तों है, तो इसी के लिए हम अप्लाई करेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पे नोएडा में आप जॉब कर सकते हैं इस कंपनी में अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे फॉर्म जो पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आपके सामने दोस्तों अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको टिक करके दोस्तों अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, तो गाइस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीड नहीं करता दोस्तों, आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो अप्लाई करने क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने दो जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑटोफिल रिज्यूम अप्लाई मैन्युअली यूज लास्ट एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास रिज्यूम है, तो रिज्यूम के जरिए दोस्तों अपना फॉर्म जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अप्लाई मैन्युअली। तो यहाँ पे अप्लाई मैन्युअली पर दोस्तों क्लिक किए। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों अप्लाई नाउ अप्लाई मैन्युअली पे, तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को फिल करना है, अपना पूरा फॉर्म भरना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं माय इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे लिखनी है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैव यू यूर वर्क फॉर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें इसका जवाब आपको यहाँ पे नो कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर आपको कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगी, फिर गिवन नेम, तो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों लिखेंगे, और गाइस यहाँ पे फैमिली नेम जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो भी देना चाहते हैं फैमिली नेम। फिर आपको एड्रेस में दोस्तों अपनी एड्रेस में लिखना है, सिटी आपको यहाँ पे लिखने के बाद अपना पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे पोस्टल कोड में, फिर अपनी मेल आईडी दोस्तों लिखेंगे, फ़ोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करके दोस्तों मोबाइल यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और गैस यहाँ पे एक्सटेंशन दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करने के बाद गैस यहाँ पे एक्सपीरियंस, यानी कि दोस्तों अगर आपने कहीं काम किए हैं सैमसंग कंपनी तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वॉलंटरी है डिस्क्लोजर दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, फिर आपको रिव्यू करके आपको इसको सबमिट कर देना, बहुत ईजी दोस्तों। आप ये डीमो के लिए यहाँ पे वीडियो बनाए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो अपना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सैमसंग कंपनी के लिए तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।